गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोमेटा रूट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर डियर गाइस, आज मैं जो रीडिंग करने जा रही हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रही हूँ, तो कैंडल के जरिए जानेंगे आपके पर्सन का हाल, आपके पार्टनर का हाल, आपके लिए क्या हो रहा है, उनके दिल में, उनके दिमाग में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है, क्या ऐसा है जो वो आपसे छुपा रहे हैं, या फिर क्या ऐसा है जो चाहकर भी नहीं बता रहे हैं, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है डियर गाइस ये, तो सभी लोग देख सकते हैं। एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो टाइम बाउंडेशन बिल्कुल भी नहीं है, आप कभी भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। चले मैं स्टार्ट कर लेती हूँ, मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ और अपना वाटर ले लेती हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग के लिए। सो प्लीज़ वेट अ मिनट। यहाँ पर मैंने जो है वो ले लिया है वाटर, एंड यहाँ पर ले लिया है कैंडल। तो अब एनर्जीज़ को चेक करूँगी मैं। और मैं पहले रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि आप जो है वो अपने पर्सन का नेम जो है वो ले लें, ताकि इस एनर्जीज़ को, जो भी एनर्जीज़ मैं रीड कर रही हूँ, ये एनर्जीज़ परफेक्टली आप तक पहुँचे और रीडिंग को पूरा देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखने से क्या होता है कि जो एनर्जीज़ होती हैं वो एनर्जीज़ भी आपके साथ कनेक्ट करती हैं, एंड ब्लेसिंग एनर्जीज़ होती हैं। क्योंकि जैसी रीडिंग होती है ना, तो कुछ ब्लेसिंग एनर्जीज़ होती हैं एंजल की, वो ब्लेसिंग एनर्जीज़ मिस हो जाती हैं आपसे अगर आप रीडिंग को कट कट करके देखते हो तो, है ना। तो बहुत सारे लोगों को ये बात पता होती है, बट कुछ लोगों को ये बात नहीं पता होती है, तो मैं इसलिए इस बात को बता देती हूँ। तो इस ब्लेसिंग एनर्जीज को पूरा लीजिएगा। तो मैं पहले कैंडल को लाइट कर लेती हूँ। कैंडल लाइट हो चुकी है यहाँ पर, और आप देखेंगे क्या एनर्जीज है। देंगे पर्सन रिस्पॉन्स तो देंगे आपके, क्योंकि एनर्जीज ना लो होकर स्टार्ट हुई है, तो मुझे लग रहा है कि लो होकर स्टार्ट हुई है एनर्जीज़, मुझे लग रहा है, क्योंकि जो वाइब्रेशन फील होती है ना, उस वाइब्रेशन में आज पावर तो दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। थर्ड पार्टी है क्या बीच में आपके? यहाँ पर लग रहा है कुछ थर्ड पर्सन की, ये थर्ड पार्टी अगर है ना, तो ये इंसान बहुत चालाक है, बहुत क्लेवर पर्सन है ये तो भाई डियर गाइस। ये आप लोगों के बीच में ये तो पर्सन दिखाई दे रहा है मुझे, कोई कोई पार्ट कोई है ऐसा जो बहुत ही क्लेवर इंसान है, और वो बहुत ज़्यादा उसने ना आपके पार्टनर के माइंड को ही ना एकदम चेंज कर दिया है। कहीं कहीं तो मुझे एक दो तीन अधिक पर्सन दिख रहे हैं, कहीं कहीं एक पर्सन दिख रहा है लेकिन थर्ड पार्टी के रूप में, लेकिन कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है, कहीं कहीं अधिक थर्ड पर्सन है, मतलब बहुत सारे लोग मिलकर रिश्ता ख़राब करवा रहे हैं। बहुत ही अधिक क्लेवर एनर्जीज आ रही है भाई। इनकी एनर्जीज़ को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर तो, अगर इस एनर्जीज़ को देखें थर्ड पार्टी की, तो बात ही नहीं करते हैं आपसे, उन्होंने तो बिल्कुल बोलना ही बंद कर दिया आपसे। बहुत मिसबिहेव करना, बहुत ज़्यादा झगड़ा करना, ये चीज़ें दिख रही हैं मुझे। रिस्पॉन्स तो नहीं दे रहे आपको। सोशल मीडिया के थ्रू मिले थे क्या आप लोग? सोशल मीडिया के थ्रू मिले हो, या फिर कोई ऑफिस वगैरह में, हो सकता है कि आप लोग किसी ऑफिस में। लेकिन अब तो जो पार्टनर है वो, उनका तो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, मुझे लग रहा है कि वो, अगर आप उनसे कुछ बोलोगे तो गुस्सा हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। थर्ड पार्टी ने ना उनको आपसे दूर करने के लिए बहुत तरीके की एनर्जीज यहाँ पर दिख रही है, कंट्रोलिंग एनर्जीज दिख रही है थर्ड पार्टी की। कंट्रोल बहुत करता है थर्ड पर्सन, चालाक बहुत है, क्लेवर बहुत है, और ये ना मतलब अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चलाता है ना, और आपका पार्टनर भी ना, मतलब आपका पार्टनर एक अजीब सा बिहेवियर कर रहा होगा, और पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल गया है। आपके पर्सन हेल्प भी करते हैं क्या उनको, फाइनेंशियल सपोर्ट थर्ड पार्टी को? मुझे तो फाइनेंशियल सपोर्ट आपका भी दिख रहा है कि आप बहुत थर्ड अपने पर्सन को फाइनेंशियल सपोर्ट करते हो, और ये थर्ड पार्टी को सपोर्ट करते हैं।
आप अपने पर्सन को करते हो, थर्ड पार्टी को सपोर्ट किया इन्होंने? आपके साथ भी कुछ झगड़े आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं क्या? क्योंकि जानती तो है ये थर्ड पर्सन आपको, ऐसा लग रहा है ना जिसको देखकर। आपको पता नहीं चल रही होंगे ना इनकी कुछ भी बातें कि क्या चल रहा है इनके माइंड में। देखो ये एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर की जो एनर्जीज आ रही है ना, आज मुझे सबसे पहले थर्ड पार्टी की एनर्जीज मिली है, और थर्ड पार्टी की एनर्जी इसलिए मिल रही है क्योंकि हावी हो रही है थर्ड पर्सन आपके रिश्ते पर। हावी है, बहुत हावी है, पूरा कंट्रोल करके रखा है इसने आपके रिश्ते को, आपके रिलेशनशिप को ना, एकदम माइंड बदल दिया आपके पार्टनर का। पहले वाली एनर्जीज में ही नहीं आपका पार्टनर, तो माइंड चेंज हो गया है उसका। कंट्रोलिंग एनर्जीज में देखो, थर्ड पार्टी से घबराया हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन आपका पर्सन मेल पार्टनर फीमेल कोई भी हो सकते हैं ना, ये थोड़े से परेशान दिख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, निजी ज़िंदगी में, निजी लाइफ में परेशानियाँ दिख रही हैं इनकी। कंट्रोल बहुत करती है थर्ड पर्सन इनको, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि सही से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहे। इन्होंने ना आपके साथ पूरी तरीके से ब्रेकअप कर लिया, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर। इससे ब्रेकअप हो चुका है आपका, सेपरेशन में हो आप, मुझे ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज को देखकर। लेकिन ये परेशान है बहुत ज़्यादा, अब इनको मतलब अब इनको आगे फ्यूचर नहीं दिख रहा थर्ड पार्टी के साथ, क्योंकि इन्होंने थर्ड पार्टी की बात मतलब ये ना, मतलब आपके पार्टनर की एनर्जीज में क्या आ रहा ना कि एक तो डर तो है इस इंसान का, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा झगड़े फैलाता है इंसान, है ना? और इनको कहीं ना कहीं इस चीज़ का है, मतलब एक फियर है इनके मन में, और कुछ ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं जो कि पूरे कंट्रोल में हो थर्ड पार्टी के इनकी, जिसमें समटाइम्स ऐसा दिख रहा है कि मतलब आपके पार्टनर इस सच्चाई को जानते हैं, तो वो थोड़ा सा एक तरीके से फियर में है। इनका दिमाग तो कंट्रोल कर लिया है पूरा, माइंड तो पूरा कंट्रोल है, दिल तुम में तो अभी भी आप हो, दिल दिल को अगर देखें तो दिल में तो अभी भी आप हो इनके। माइंड से माइंड में बहुत मतलब इनके गलत फहमियाँ भर गई हैं, और एक तरीके से निगेटिव एनर्जीज दिख रही हैं, जिसमें क्या होता है ना कि इंसान पूरी तरीके से मतलब ये आपको एक तरीके से आपको ऐसा फील होता है क्या कि ये भूल चुके हैं आपको, ऐसा फील अगर आपको हो रहा है तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग एनर्जीज की वजह से इनका माइंड ऐसा हो रहा है। रोते तो बहुत है ये आपके आपके प्यार में बहुत रोते हैं। अच्छा मैंने कहा ना आपसे कि दिल दिल इनका रोता है, सोल इनकी रोती है, आपको याद करके आपके पास आना चाहते। ये तो मुझे कहीं कहीं ऐसा दिख रहा है कि जैसे ये गलत फंस गए हैं थर्ड पार्टी में, जैसे एक होता है ना फंसाओ फंसा लेता ना कोई इंसान, तो वो चीज़ दिख रही है। पहले ना बहुत ज़्यादा इमोशनली इनको, बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इनके ऊपर एक अटैक करा, और फिर इनकी उसमें फंस गई है। थर्ड पार्टी के साथ किसकी लड़ाई हुई है? आपकी भी कुछ बात आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं क्या सामने से? किसी किसी की हुई होंगी, हो सकता है कलेक्टिव रेटिंग है, पता नहीं किसकी एनर्जीज आ रही है। थर्ड पार्टी की चालाकियाँ तो बहुत ज़्यादा हो रही है, क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगी कि आपका प्यार जीतेगा। आपका प्यार में सच्चाई है, ट्रूनेस है, और दिल में आप दिख रहे हो। एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकता है, वन सेट सिंगल मैरिड मैरिड या लव रिलेशनशिप हो सकता है। अल्फ़ाबेट बनते हुए दिख रहे हैं, बताना चाहूँगी। अल्फ़ाबेट सी के आर है, एच पी ए है, एन है, यू आई है, डी वी है, सी के है। अच्छा पहले तो ये मतलब इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रिस्पांस देते थे आपके पार्टनर, काफ़ी सालों पुराना रिश्ता दिख रहा है, और अब ना इनका माइंड, मैंने बोला ना आपको ये जो एनर्जीज हो रही है ना कंट्रोलिंग एनर्जीज, इसमें आपके जो पार्टनर है ना सही ढंग से समझ नहीं पा रहे। दिल में रोते क्यों है ये, दुख क्यों होता है? क्योंकि इनको कहीं ना कहीं एहसास है कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, क्योंकि ये दिल में इनको पता है इनकी फीलिंग्स बहुत ट्रू हैं आपके लिए, बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं, तो इनको ये पता है कि मतलब आपका प्यार आप इनके लिए कितने इम्पोर्टेंट हो, ये बात इनको पता है, ये इस चीज़ को जानते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि
जो कि ये शेयर नहीं कर पा रहे हैं। ये सब कुछ जानते हैं, इनको सब कुछ पता है कि आप जो है ना वो इनके लिए बहुत ट्रू पार्टनर हो। ये फंस गए हैं थर्ड पार्टी में और ये निकलना चाहते हैं। होता ना झटपटाहटता है इंसान जब किसी उसमें फंस जाता है, क्योंकि ये सच में डियर गाइस मुझे आपके पार्टनर ना इस समय फंसे हुए दिख रहे हैं। ये प्यार बहुत ज़्यादा करते हैं आपसे, बहुत प्यार करता है इंसान। शादी की बात हुई थी क्या आप लोगों के बीच में, कुछ ऐसा मैरिज से रिलेटेड कनेक्शन या कुछ ऐसा मैरिज को लेकर बात, या आपने इनसे कहा था या फिर प्लानिंग थी आपकी मैरिज को लेकर? आज ना इनको इतना दुख लगता है कि जब ये ना आपके बारे में सोचते हैं ना और थर्ड पार्टी की तरफ देखते हैं ना, तो इनको लगता है कि इनकी लाइफ में क्या कुछ है। ऐसा दिमाग कर दिया है ना आपके पार्टनर का कि ये पूरी तरीके से ना किसी भी चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हैं। आप इतना ज़्यादा माइंड इनका ऐसा कंट्रोल्स में हो गया है कि ये किसी भी चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। जो थर्ड पार्टी कहती है वो करते हैं, जो थर्ड पार्टी कहती है वो करते हैं। माइंड ऐसा हो गया है, लेकिन दिल में आप समझ लो इतना हिडन फीलिंग्स यहाँ जो दिख रही है ना, बोझ है इनके दिल में। इनको इनको सब पता है कि आप कितना प्यार करते हो, ये आपसे कितना प्यार करते हैं, पर इतनी पावर एनर्जीज आ रही कंट्रोलिंग जिससे ये बाहर आना चाहते हैं। अब आप ये सोच लीजिएगा कि कितना ज़्यादा ये खुद परेशान है, मेंटली बहुत स्ट्रेस में दिख रहे हैं। स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आ रही है, इसका मतलब लव तो बहुत है इनको आपसे, और इन्होंने अपनी फीलिंग शेयर भी की होगी आपके साथ। कि अगर लव नहीं होता तो पहले ही नहीं होता, अचानक से लव चेंज थोड़ा ना हो जाएगा। लव तो था उनको, मतलब इस तरीके से मिसअंडरस्टैंडिंग भी बहुत ज़्यादा हो गई है आप लोग के बीच में, है ना। निगेटिव एनर्जीज बहुत दिख रही है, मतलब आप ये समझ लो कि इनकी हर चीज़ को प्लान थर्ड पार्टी ही करती है, इनकी हर बात को थर्ड पार्टी ही हिसाब से अपने हिसाब से चलाना। मतलब उधर ऐसे पहले हम किसी भी चीज़ की प्लानिंग करते हैं देन अप्लाई, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना कि ये हर चीज़ की प्लानिंग थर्ड पार्टी ही करती, थर्ड पार्टी इन्हें बताती है क्या करो कैसे करो, मतलब वो अपने हिसाब से इनको चलाए जा रही है। और इनको पता है, इनको पता है डियर गाइस कि ये गलत है, रॉन्ग है, इनको पता है, पर इनका दिमाग ऐसा कर दिया है थर्ड पार्टी ने कि ये तो मतलब समझ ही नहीं रहे किसी भी चीज़ को। अंदर से रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उलझन में है, मन नहीं लग रहा, मूड ऑफ है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। आप कुछ चाहते हैं कि आप इनके लाइफ में आओ। इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस है आपके पर्सन को, इतना मेंटली स्ट्रेस जिससे ये निकल नहीं पा रहे हैं। मेंटली स्ट्रेस है भाई, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते हैं आपके पार्टनर। आपके प्यार की कीमत ये इंसान जानता है, इसको पता है कि आपने इनको कितना प्यार दिया था। आज आपसे दूर होने के बाद ये आपको हर वक्त याद करते हैं, हर छोटी छोटी चीज़ों में इन्हें आपकी याद आती है, हर छोटी छोटी चीज़ों में। मतलब इवन एक होता है ना कि भाई हम हर छोटी छोटी चीज़ से पता चल लगता है ना कि किस इस इंसान को कितनी परवाह है ना, तो वो चीज़ दिख रही है। मतलब लाइक एक आपका ये क्वेश्चन भी ना इनको कि कैसे हो आप, या फिर अभी क्या कर रहे हो, रेस्ट किया, खाना खा लिया, टाइम पर सो जाना, टाइम पर लगे, ये सब के क्वेश्चन जो आप पूछते थे ना इनसे कि खाना खा लिया, थोड़ा रेस्ट कर लो, आप थक गए हो क्या, तबीयत ठीक नहीं है क्या, ये जो छोटी छोटी चीज़ें आप पूछते थे ना इनसे, वो आज पूछने वाला कोई है नहीं इनके पास, आज कोई नहीं है, सब अपनी चालाकी भरी बातें करते हैं इनसे। तो ये बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में है ना गाइस। ये जो छोटी छोटी बातें होती है ना, ये बहुत काम की होती है, बहुत काम की। इससे पता चलता है कि भावनाएं कैसी हैं आपकी आप किसी के लिए। और यही चीज़ इनको ना, इतना सपोर्ट आपसे, इतना प्यार मिलता था ना कि एक मतलब एक मदर फीलिंग्स आती थी इनको आपसे, आपको इनसे, मतलब लगता था ना कि सही प्रोटेक्शन आप ही देते हो इनको।
दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले पर्सन आप हो, ये चीज़ ये जानते हुए भी, और आज इतनी जो दूरियाँ आ गई ना, इतना सेपरेशन, मीलों के फासले हो गए, पास रह रहे हो एक घर में रह रहे हो, मीलों के फासले, दूर हो तो दूर हो ही, लॉन्ग डिस्टेंस है तो दूर है ही, लेकिन अगर एक प्लेस में भी, एक सिटी में भी रह रहे हो, आप भी डिप्रेस्ड में लग रहे हो, मुझे डिप्रेशन में लग रहे हो आप गाइस। लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर ये बोलूँगी कि एनर्जीज ना, जो जिस हिसाब से एनर्जीज आ रही है ना, उस हिसाब से मैं बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ हारेंगी। कोई भी इंसान जो भी इस तरह की मतलब एनर्जीज में है, वो क्लेवर है, तो लाइक यूनिवर्स तो देखने वाला है ना, मेन है यूनिवर्स, वही देखेंगे है ना, रिजल्ट कौन निकालता भाई, यूनिवर्स ही तो निकालते हैं ना। आपका प्यार सच्चा है और आपका प्यार जीतेगा, ये देख लीजिएगा आप। चलिए अभी टैरो कार्ड से थोड़ा राशियाँ वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं टैरो कार्ड ले लेती हूँ। नेम दोबारा से ले लीजिएगा आप अपने पार्टनर का, अपने पर्सन का। राशियां हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा, पाइसेस, लियो, कैंसर, लिब्रा, जेमिनी, टॉरस। हर कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है आज का कि पर्सन अकेले हो गए और फंस गए। ये आज की टैरो कार्ड रीडिंग मुझे थर्ड पार्टी, मुझे ना यहाँ पर साधारण थर्ड पार्टी नहीं दिख रही है, ये कैसा पर्सन दिख रहा है जिसने इनको पूरा फंसा के रखा है, जिससे ये ना तो इन हो पा रहे ना ही आउट हो पा रहे, मतलब ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और ये पर्सन इनको बढ़ने नहीं दे रहा है। एक तरीके से पूरा माइंड डिस्टर्ब चल रहा है आपके पर्सन का, पूरा कंट्रोल में है माइंड। थर्ड पार्टी तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ उसके हिसाब से आज आपके पर्सन को भी एहसास हो चुका है, वो खुद आपके लाइफ में आना चाहते हैं, क्योंकि वो जान चुके हैं कि थर्ड पर्सन का प्यार कोई प्यार नहीं है, वो तो सिर्फ उसकी चालाकियाँ हैं, वो कंट्रोल कर रहा है। जो इंसान कंट्रोल कर रहा है वो प्यार क्या करेगा, है ना, क्योंकि झगड़े भी होते हैं, नज़र बहुत रखता है इंसान, है ना, आर्ग्यू बहुत करता है, बहस बहुत होती है इस इंसान से, इनके साथ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हर चीज़ पर इनकी रोका टोकी करता है पर्सन, तो ये चीज़ों से ये एकदम डिप्रेस्ड हो चुके हैं, और इसीलिए कहीं ना कहीं इनको आपका प्यार इनको संभाले था, और आज ये ऐसे फंसाव में फंस गए हैं ना, एकदम बाहर निकलना चाहते हैं। इनर वॉइस का कार्ड है भाई, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, प्यार है आपका, बहुत ही ज़्यादा ट्रू लव है आप लोगों के बीच में, जो चीज़ यहाँ दिख रही है, और इतने ट्रू लव के लिए तो मैं ईश्वर से दिल से प्रार्थना करूँगी कि यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो लोग मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स, या जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, यूनिवर्स प्लीज़ आप उनका रियूनियन करा दीजिए, उन्हें उनके पार्टनर से मिला दीजिए। यूनिवर्स सब्सक्राइब कर रहे हैं जो भी, लाइक शेयर कमेंट्स, मेरे व्यूवर्स उनके पार्टनर उनको मिल जाए। यहाँ पर देख लेते हैं लास्ट मैसेज उनका आपके लिए, सच्ची मोहब्बत है। आज ये पर्सन ने बहुत कुछ सहन कर लिया है, आपसे दूर जाकर इन्होंने समझ लिया है, समझ चुके हैं ये आपसे दूरियों में ना, ये समझ चुके हैं इनकी फीलिंग्स कि हाँ कितनी इम्पोर्टेंट थी, दिल में रो रहे हैं, ये दिल से रो रहा है इंसान। अब दोनों के लिए, आप दोनों का कार्ड एक दूसरे के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। ये रहे आपके कार्ड, ये रहे आपके पर्सन के कार्ड, ये रहे आपके कार्ड, ये रहे आपके पर्सन के कार्ड। इस कार्ड पर ना, इस कार्ड निकाल लेती हूँ मैं, क्लियरिटी मोर एंड मोर क्लियरिटी मिले, सफल कर लेती हूँ। पर्सनली आपको मेरे से बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है, आप ले सकते हैं। जन्मपत्री, कुंडली, टैरो कार्ड रीडिंग नंबर वीडियो पर है, वहाँ से लेकर आप मुझे मैसेज कीजिएगा। देखिए आपके पर्सन का जो सबसे बड़ा मैसेज यहाँ निकल कर वही आ रहा है कि उन्होंने ना अपना फर्ज भूल गए, वो आपका साथ उन्होंने पकड़ कर भी ना आपको बिल्कुल अकेला कर दिया, उनको एक तरीके से
हर कार्ड यहाँ पर यही कह रहा है कि आज उन्हें आपका प्यार भी याद आ रहा है, और वो कर्मा है ना, मतलब एक तरीके से भोग रहे हैं। बहुत ज़्यादा उन्होंने आपको डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डाला था क्या? क्योंकि यहाँ पर कार्ड यही कह रहा है कि एकदम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में उन्होंने आपको डाला था, मतलब आपका साथ एकदम पकड़ कर रिलेशनशिप पूरा तय करके, है ना, सब कुछ फिक्स हो गया, देन उसके बाद उन्होंने एकदम ब्रेकअप कर लिया। तो कि आपके एनर्जीज को भी देखो ना मैं, तो आपके पास आज बहुत ज़्यादा आप ऐसी स्थिति में हो गए हो कि आपको ट्रस्ट भी नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है कि एक एक दिन आपका ना उम्मीदें ख़त्म होती जा रही है, लेकिन यहाँ पर एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं, ट्रस्ट करने के लिए बोल रही हैं कि आपके जो एफर्ट्स हैं वो बेकार नहीं जाएंगे। डिसीजन ले रहे हैं आपके पर्सन, यहाँ पर मैं एक डिसीजन का कार्ड है आपके लिए, तो कहीं ना कहीं डिसीजन लेंगे ये पर्सन। अगर मैं आप पूछोगे तो मैं आपको यही बोलूँगी कि थर्ड पार्टी की चालाकियाँ कुछ कर नहीं पाएंगे, जो ट्रस्ट और जो एनर्जीज आ रही है ना वो आपको मिलाएगी। यहाँ पर पास्ट लाइफ कनेक्शन है आपकी एनर्जीज में, तो आपकी एनर्जीज में पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इट मीन्स कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ कर्मा है आपका इस इंसान के साथ, जो आप लोग के बीच में दोबारा से एनर्जीज को ग्रो करेगा। जो रखा है पार्टनर भी का मैसेज है कि उन्होंने जिम्मेदारियां नहीं निभाई, और इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने आपको नहीं सुना, और अब जो पार्टनर है वो काफ़ी ज़्यादा इसी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, और खुद कह रही हूँ ना मैं, खुद खुद उनको ना समझ आ रही है अब कि उन्होंने कितना दिल दुखाया आपको ब्लॉक करके, आपके साथ बात ना करके, रिश्ता ब्रेक करके। बॉटम ऑफ द कार्ड यहाँ पर जो कार्ड है वो यहाँ पर ट्रैवलिंग की एनर्जीज़ को भी शो कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उनका मिलने का मन हो रहा है। इस कार्ड को देखकर मुझे ऐसा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है आपको लेकर, तोड़ देना चाहते हैं वो थर्ड पार्टी का रिश्ता हमेशा के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं, प्यार नहीं, अपसेट रहते हैं, डिप्रेस्ड रहते हैं। जब से वो रिश्ता उनकी ज़िंदगी में आया है थर्ड पर्सन का, तब से उनकी लाइफ एकदम डिस्टर्ब हो चुकी है। अब वो आपको अपनी लाइफ में दोबारा से लेकर आना चाहते हैं, पूरी तरीके से आपके साथ एक न्यू रिलेशनशिप, मतलब एक होता है ना कि न्यू जर्नी स्टार्ट करना, वो चीज़ दिख रही है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है, लेकिन फिर भी मैं बोलूँगी कि लास्ट में यही बोलूँगी कि सच्चा लव है, ट्रू लव है दोनों के बीच में, ट्रू लव। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी एचआर का रीडिंग, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। पर्सनल गाइडेंस के लिए नंबर यूट्यूब पे है, एंड टेक केयर, बाय बाय।